नमस्कार दोस्तों, नीतूस लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नई हिंदी कहानी सोना आंगन, जिसकी लेखिका हैं रत्ना पांडे जी। ये कहानी अभिमन्यु और वैजयंती के सच्चे प्रेम की भावुक कहानी है। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद भी आएगी और आप सभी के दिलों को छू जाएगी। आज वैजयंती की शादी की 8वीं सालगिरह थी। 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसका विवाह हो गया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का तो केवल एक ही सपना था कि बिटिया के हाथ पीले कर दूँ, अच्छा सा लड़का और अच्छा परिवार उसे मिल जाए, उसका जीवन सुखी हो जाए, बस उसके बाद फिर वह बेफिक्र हो जाए। अपने पापा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने सपनों की आहुति दे दी। लग्न मंडप में बैठकर जहां माता पिता ने रिश्ता जोड़ा उसने स्वीकार कर लिया था। अभिमन्यु के माता पिता उषा और अशोक भी इस विवाह से बहुत खुश थे। अभिमन्यु का छोटा भाई नवीन ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था। उसकी बहन नैना 12वीं में पढ़ रही थी। विवाह के पश्चात वैजयंती का जीवन पूरे परिवार के साथ सुख और शांति के साथ बीत रहा था। वैजयंती ने कभी भी नौकरी के लिए नहीं सोचा। परिवार की जिम्मेदारी में वो स्वयं को तो मानो भूल ही गई थी। उसका पति अभिमन्यु बैंक में नौकरी करता था। अभिमन्यु बहुत ही खुश मिजाज और कड़ी मेहनत करने वाला इंसान था। उसने कई परीक्षाएं पास करके जल्दी प्रमोशन पा लिया और वो बैंक मैनेजर बन गया था। परिवार पर मानो खुशियों की बारिश हो रही थी। इसी तरह ये सुनहरा समय नदी के पानी की बहती धारा के समान आगे बढ़ता ही जा रहा था, उमंगों के साथ, खुशियों के साथ। लेकिन जब खुशी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब दुख उसके ऊपर हमला ज़रूर ही करता है। बस ऐसा ही अभिमन्यु के परिवार में भी हुआ। अभिमन्यु हमेशा वैजयंती से कहता था, वैजयंती कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर अभी? यदि मुझे कुछ हो गया, भगवान ना करे, किंतु यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो वैजयंती तुम पूरा जीवन यूं ही मेरी यादों में तड़प तड़प कर मत बिताना। मेरी आत्मा भी तब तो सुकून से नहीं रह पाएगी। क्या कुछ भी बोलते रहते हो अभी? बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो जाए तो तुम दूसरा विवाह कर लेना। अभी बंद करो अपनी बेफजूल की बकवास। ये बकवास नहीं है वैजयंती, एक विधवा का जीवन कितना मुश्किल होता है, क्या हम समाज में देखते नहीं हैं? छोड़ो इन बातों को, अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी की 8वीं सालगिरह आने वाली है। कैसे सेलिब्रेट करना है बोलो, आने तो दो। कुछ ही दिनों में वो दिन भी आ गया। आज वैजयंती और अभिमन्यु की शादी की 8वीं सालगिरह थी। वह सुबह जल्दी उठ गए और नहा धोकर सुबह मंदिर गए, भगवान से अपने परिवार और अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों के लिए प्रार्थना की। घर लौटते समय वैजयंती ने अभिमन्यु से पूछा, इतने तल्लीन होकर भगवान से क्या मांग रहे थे? पहले तुम बताओ, तुमने क्या मांगा वैजयंती? मैंने तो अपने बच्चों और पूरे परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना की, और हाँ, मैं हमेशा इसी तरह अपनी मांग में सिंदूर और कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती रहूँ। अब बताओ तुमने क्या मांगा? मैंने भी परिवार की सलामती के अलावा यही मांगा कि तुम्हारे माथे की बिंदी हमेशा इसी तरह तुम्हारे माथे पर चमकती रहे, गले में मंगलसूत्र दमकता रहे, चूड़ियों की खनखन और पायल की छनछन की आवाज़ आती ही रहे। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ अभी कि तुमने तुम्हारी ही लंबी उम्र की मांग की है। हाँ बिल्कुल,
तुम ऐसा समझ सकती हो। मैं जानता हूँ वैजयंती कि तुम्हारी हर खुशी मुझसे ही तो है। मेरे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना मैं भी नहीं। तुम्हारे माथे की बिंदिया हमेशा चमकती रहे का मतलब नहीं समझी तुम? तुम भी जिंदा रहोगी तभी तो माथे की बिंदी चमकेगी ना। मतलब मैंने तो भगवान से एक साथ एक ही लाइन में दोनों के जीवन की मांग कर दी है। हा हा हा, तुम बहुत चालाक हो अभी। क्या भगवान के सामने भी तुम नहीं सुधरोगे? वैजयंती, इसमें गलत क्या है यार? भगवान से तो हम जैसे चाहें जो चाहें मांग सकते हैं।